देखिए मेरी गाड़ी की हालत देखिए, इतनी बेकार गाड़ी की हालत हो गई है ना कि क्या बोलूं अब मैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं, वैसे थंबनेल में तो देख ही लिया होगा पर इतना डिटेल में नहीं दिखाया मैंने थंबनेल में, पर आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपके पैरों का सारा दर्द चला जाएगा, मतलब आपका आपका नहीं होगा तो आपके घर में किसी का भी तो पैरों का प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यूट्यूब ने मुझे एक नया फीचर दिया है, उस पर स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए जो लोगों को मुझे मेरा वीडियो पसंद आता है उन लोगों के लिए स्पेशल, कि कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे 10-20-50 रुपये जो भी उनकी इच्छा से, उसके लिए YouTube ने थैंक्स बोलने के लिए एक नया फीचर्स दिया है। मतलब अपनी भाषा आपकी आपकी भाषा में आपको थैंक्स बोलना हो तो उस तरह से आप थैंक्स बोल सकते हो। और दूसरा एक फीचर भी दिया है वहाँ पे, आप बेज आते स्टिकर्स आते छोटे छोटे वो भी आप मुझे भेज सकते हो थैंक्स बोलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें YouTube ने YouTube के जो टाइटल दिया होता है उसके नीचे शेयर का ऑप्शन दिया होता है, उधर सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। और मेरे साथ मेरी मम्मी है, मैंने इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गया था। तो मेरी मम्मी है, उनके पैरों में तकलीफ हो गई है, घुटनों में क्या हो गया है मम्मी? बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो गई है। बैठते उठते तकलीफ होती है। एक उम्र के बाद आपको ऐसा नॉर्मल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पाँव में, तो उस जगह पे उसका सॉल्यूशन है तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। और अच्छी जगह है इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। रास्ता देखिए आप, जबरदस्त रास्ता आया है। वो भूत वाले पिक्चर में दिखा था ना, भूतिया पिक्चर में ऐसा रास्ता है। अगर रात दिन में इतना खतरनाक दिख रहा है ये रास्ता तो सोचिए रात को कैसा होगा। रास्ते दोनों तरफ पेड़ और बीच में रास्ता, पूरा हाईवे बन रहा है यहाँ। देखिए जबरदस्त बनाए इन लोगों ने पूरा। ये पूरा जब वो हाईवे बन रहा है यहाँ पे, देखिए ऊपर की तरफ हाईवे वो पूरा निकलता है, रोड निकलता है मुंबई टू दिल्ली का, पूरा एक्सप्रेस हाईवे, पूरा एक्सप्रेस हाईवे निकलता है यहाँ से। की वजह से थोड़ा भीगा हुआ है रास्ता, सीधा जाना है, मैं ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना है। ऐसा गेट आएगा जब भी आप यहाँ पे आओगे तो ऐसा गेट आएगा, ऊपर लिखा है बड़े अक्षर से गुजराती में लिखा है, तो गुजराती को वालों को तो समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छी जगह पे सब चीज़ें बनाई हैं इन लोगों ने, ये सब फार्म हाउस है इसके अंदर, और बड़े बड़े अक्षर में सामने बोर्ड भी लगाया हुआ है। आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको आखिर में बताऊंगा नाम इस जगह का। तो हाँ, बहुत छोटा सा गांव के अंदर से निकलता हुआ रास्ता, गांव का तालाब, गांव का पेड़, क्या क्या जगह है, बाप रे बाप, अच्छी अच्छी जगह है। अरे रे रे रे, क्या बनाया इन लोगों ने। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, और सामने है वो जगह जहाँ पे लोग आते हैं अपने दर्द के इलाज के लिए। और कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से, ये है मसाज सेंटर, और यहाँ पे सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सामने अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सब बोर्ड सब दवाई का लगा है। अंदर जाना है हमें, और फिर यहाँ से दरवाज़ा है वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे भी एक रूम है, और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
सब अपना वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको वहाँ पे 36 लिखा है। हम लोग जब 12 या 13 था तब से यहाँ पे बैठे हैं। तो गाइज अभी लोग हम लोग यहीं पर ही है और कुछ इस तरह का गार्डन है बाहर की तरफ और यहाँ पे ऑफिस है। ट्यूसडे को बंद रहता है, ट्यूसडे को बंद रहता है, पता नहीं क्यों बंद रहता है, पर ट्यूसडे को बंद रहता है। तो ट्यूसडे को अगर आप आने की सोच रहे हो तो मत आना। और यहाँ पे कुछ बनाया है गार्डन के अंदर, ये कुछ छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा बनाया है। अच्छा गार्डन बनाया बैठने के लिए और बहुत सारी जगह है बैठने के लिए आपको यहाँ पे। क्या आप मतलब लोग सुबह 5 बजे 6 बजे से आके टोकन ले लेते हैं, यहाँ पे टोकन सिस्टम चलता है, यहाँ पे टोकन सिस्टम चलता है। तो सुबह 5 बजे आके टोकन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। मतलब जितना जल्दी आप आके टोकन लोगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा। और बादल भी छाए हुए ऊपर, अच्छा दिख रहा है बादल। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद तेल देंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, कुछ भी लगाने के लिए देंगे, लेप वेप सब कुछ। मेडिकल स्टोर है ये, यहाँ पे दवाई यहाँ से मिलेगी आपको। अंदर थेरापिस्ट अंदर बैठते हैं, फिर यहाँ पे मेडिकल मतलब बनाए उन लोगों ने पूरा। दवाई तुम्हारी और इस तरह की दवाई दी है और 3 तारीख को बंद रहेगा, 3 तारीख को बंद रहेगा, 1 तारीख को मत आना, मंगलवार को भी बंद रहेगा। चलो मंगलवार को भी बंद रहेगा। और ये सब दवाई दी है हमें, देखिए कितनी सारी दवाई है। तो बस यहाँ पे पूरी सब कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट दिखाई जा कराई जाती है यहाँ पे। और ये है इसका वार्ड, यहाँ पे बॉर्ड दिखाया आपको, नेचुरल केयर मसाज सेंटर। टाइम भी दिखाया इसमें और सब कुछ नंबर भी दिया है, मैं डिटेल में डालूँगा। तो चलो चलते हैं अभी, अपनी गाड़ी सामने ही पड़ी है। और टाटा बाय बाय। तो इसमें सब पट्टियाँ है, मलम और कुछ आयुर्वेदिक तेल दिया हुआ है, देखिए पट्टा दिख रहा होगा आपको बस, और टैबलेट्स दिख रही होगी आपको। ये सब बॉटल में सब टैबलेट्स और तेल और पट्टियाँ, वो मलम लगाने के बाद रुई, ये रुई दी है, और लगा देने की रुई से पट्टा बांध देने का, और पैरों में पूरा अभी तो पट्टा बांध दिया है, आपको दिखा है वैसे ही पूरा मालिश किया और पट्टा बांध दिया। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख के जा सकते हैं। मंगलवार को बंद रहता है तो जान लीजिए, मंगलवार को मत आइए बस। बाकी तो टाइम दिया है 8 बजे सुबह खुल जाता है, और यहाँ आपको टोकन लेना पड़ता है, सब कुछ डिटेल मैंने बता दिया है ऑलरेडी। मतलब ये लोग तो बोलते हैं 100% फ़र्क पड़ जाएगा आपको, अभी हमने तो दवाई है, आपने तो जन नहीं है। मैंने बोला हमारे घर में भी 1-2 लोगों ने ली थी, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ा इससे, तो हमने भी चलो सोचा कि चलो जाके लेके आते, फर्क पड़ता है तो लेने में क्या हर्ज है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, तब तक के लिए करते हैं सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय।